पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान मोदी ने पहली बार वोट करने वालों से अपील की कि तीर धनुष पर बटन दबाएंगे तो वोट बीजेपी को ही जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में रैली करते हुए कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को महामिलावट बताया। साथ ही दोनों पार्टियों पर परिवार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा, पार्टियां देश को खोखला कर देंगी। कांग्रेस एनसीपी की महामिलावट है, जहां अपना और अपने परिवार का स्वार्थ राष्ट्रहित पर भारी पड़ रहा है। स्मृति ईरानी ने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोटरों के लिए काम करती है, वोट के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुमकिन ही नहीं होता कि एक गांव का गरीब आज देश का प्राइम मिनिस्टर होता। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, अमेठी के हालात से पूरा देश अवगत है। एक तरफ ऐसे नेतृत्व वाली सरकार है जो क्षमतावान है, जो देश के नवनिर्माण के लिए संकल्प लिया है, और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो ना संकल्प लेता है, सिर्फ अपने आप को घोषणाओं में सीमित रखता है। 15 साल तक सांसद रहने के बावजूद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए, यानी उन्होंने ये सारी बातें राहुल गांधी पर कही। अमेठी के हालात से अब पूरा देश अवगत है, तो एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जो क्षमतावान है, जिन्होंने एक संकल्प लिया है भारत के नवनिर्माण का, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो ना संकल्प लेता है, सिर्फ घोषणाओं में अपने आप को सीमित रखता है। 15 साल सतत सांसद रहने के बाद वो व्यक्ति अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास न कर पाया। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख कर भाषण बोलते हैं, इसलिए उन्होंने महागठबंधन को शराब कह दिया। बताओ पत्रकार साथियों, पढ़ के भाषण दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? तभी तो हमारे गठबंधन को शराब बोल रहे थे, उनके कंप्यूटर ने धोखा दे दिया। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है इस बार इतनी बटन आप लोग दबाइएगा कि ईवीएम में कुछ भी हो तो जीत गठबंधन की ही हो। इस बार जनता तैयार है मशीन की इतनी बटन दबाने के लिए कि इस बार मशीन भी धोखा नहीं दे पाएगी, इतना वोट इंतजाम कर दिया हम लोगों ने। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया, रोड शो में कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप वोट डालने जाएं तो ये ध्यान में रखें कि ऐसी सरकार को चुनें जो बेहतर काम करे। आप लोगों से एक ही निवेदन है, इस बार जब वोट डालने जाओ ये ध्यान रखना भाई साहब, जिन लोगों ने 4 साल आपके काम रोके हैं उनको दोबारा वोट मत दे, जो फिर 5 साल का काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में दिल्ली सबसे ज्यादा इनकम टैक्स यानी 1.5 लाख करोड़ सालाना देती है, और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली को क्या देती है, 325 करोड़ रुपए। पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है केंद्र सरकार को, कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपए एक साल में, 1.5 लाख करोड़। और केंद्र सरकार उस 1.5 लाख करोड़ में से वापस कितनी लेती है दिल्ली को, 325 करोड़ रुपए साल। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान पर जनता को धमकाने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा है चुनाव के बाद एक एक को मैं देख लूंगा, मैं गांधीवादी नहीं
मैं भगत सिंह वादी हूँ। संजीव बालियान यही है और चुनाव के बाद भी यही रहेगा। एक एक का हिसाब होगा और किन किन का हिसाब होगा। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं भगत सिंह वादी हूँ। अगर एक तमाचा मुंह पर पड़ेगा तो दो तमाचा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह आज लखनऊ के दौरे पर रहे। इस दौरान अमित शाह ने पहले तीन चरणों में होने वाले मतदान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। देर रात तक चली मैराथन बैठक में अमित शाह ने चुनाव अभियान की समीक्षा और आगे की रणनीति पर दिशा निर्देश दिए। इटावा भाजपा प्रत्याशी अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया की पत्नी मृदुला कठेरिया ने पति के विरोध में निर्दलीय नामांकन किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में आमने सामने पति और पत्नी है। शाहजहांपुर में संयुक्त विकास पार्टी का प्रत्याशी बैंड बाजे के साथ दूल्हा बनकर नामांकन करने पहुंचा। प्रत्याशी को दूल्हा बना देख लोग हैरत में पड़ गए। फिलहाल पुलिस ने बैंड और बारातियों को कब्जे में लेकर दूल्हे वाले प्रत्याशी को नामांकन के लिए रवाना किया।